रोहित शेट्टी निस्संदेह भारत के सबसे सफल निर्देशकों में से एक हैं। निर्देशक भीड़ का पसंदीदा है और जानता है कि उन्हें क्या चाहिए। रोहित शेट्टी की फिल्म का मतलब है बड़े पर्दे पर एक बड़े पैमाने पर व्यावसायिक मनोरंजन। महामारी के बीच उन्होंने दर्शकों को सूर्यवंशी के साथ फिल्मों में वापस लाया। शेट्टी के 49वें जन्मदिन पर आइए नजर डालते हैं उनकी आने वाली फिल्मों पर जो 200 करोड़ क्लब में आसानी से पहुंच सकती हैं। सकस में रणवीर सिंह, वरुण शर्मा, जैकलीन फर्नांडीज और पूजा हेगड़े हैं। यह फिल्म शेक्सपियर की द कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित है। शेट्टी ने पहले हमें गोलमाल और बोल बच्चन के साथ हंसाया है, इसलिए हमें यकीन है कि सकस एक मजेदार फिल्म होगी। सिंघम और सिंघम रिटर्न्स की अपार सफलता के बाद सिंघम 3 की बहुत उम्मीद थी। फिल्म की घोषणा सूर्यवंशी में अजय देवगन के साथ एक दृश्य में की गई थी। सिंघम ने 139 करोड़ जबकि सिंघम रिटर्न्स ने 140 करोड़ कमाए। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि सिंघम 3 रुपए को पार कर जाए 200 करोड़ का निशान। रोहित शेट्टी ने 5 साल पहले गोलमाल की घोषणा की थी, लेकिन फिल्म का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। गोलमाल बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी में से एक है। गोलमाल अगेन निरू बॉक्स ऑफिस पर 205 करोड़, इस तरह गोलमाल 5 इसे आसानी से पछाड़ देगी। रणवीर ने पहले India.com को बताया था कि सिम्बा 2 निश्चित रूप से होगी। सिम्बा एक बेहतरीन फिल्म थी और हर कोई सिम्बा 2 के लिए उत्साहित है। मूल फिल्म ने 240 करोड़ कमाए, इस प्रकार सीक्वल को आसानी से 300 करोड़ को पार करना चाहिए।